20 मार्च 2022 को थानागुरपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि सुजावन देव मंदिर के रास्ते को जाने वाली पहाड़ियों पर एक संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिला है। तत्काल इस सूचना पर हमारी फॉरेंसिक टीम और थानागुरपुर पुलिस पहुंची और बड़ी ही संजीदगी के साथ वहां पर जो भी हमें साक्ष्य मिले उनको एकत्रित किया गया। जो संदिग्ध अवस्था में युवक मिला था उसकी पहचान नहीं हो सकी थी तब, और उसके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके सर पर किसी भारी चीज़ से प्रहार करके उसे चोट पहुंचाई गई है जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई है। क्योंकि ये जो जिस व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी वो अज्ञात था, तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए इसको ट्रेस करना था कि मृतक कौन है, और इसके लिए एक अहम क्लू जो हमारे पास था, और सिर्फ कहेंगे कि एक ही क्लू जो था हमारे पास, वो जो मृतक ने टी शर्ट पहनी थी उस पर एक मोनोग्राम बना था भंडारी सर्किल का। भंडारी सर्किल नाम से सभी इंटरनेट पे सर्च करके और काफ़ी इसमें इटरेशन करने के बाद हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे कि गोरेगांव वेस्ट मुंबई में एक कारपेंट्री सर्विस प्रोवाइड करने वाले एक छोटी सी कंपनी है, और हो ना हो मृतक के संबंध वहाँ से जुड़े हो सकते हैं। फिर महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क करके वहाँ के आसपास के थानों में इसकी सूचना कराई गई, और महाराष्ट्र पुलिस का हम लोगों ने इसमें मदद ली और मृतक को ट्रेस कर लिया गया। मृतक को ट्रेस जब कर लिया गया तो उसका नाम कृष्णा मोरे, जिसकी कि वहाँ पर उनके परिवारीजनों ने एक गुमशुदगी की रिपोर्ट ऑलरेडी दर्ज करा रखी थी, उनके परिवारीजनों को संपर्क करते हुए उन्हें यहाँ पर बुलवाया गया, तथा इसमें जो अभी तक की तहकीकात में कारण निकल के आया है कि अभियुक्त ब्रज कुमार मिश्रा की पत्नी के साथ मृतक कृष्णा के अनैतिक संबंध हो गए थे। इन्हीं संबंधों पर वो आपत्ति करते थे, और जो मृतक है वो यहाँ पर अभियुक्त की पत्नी से ज़बरदस्ती मिलने के लिए बहाना बना करके आया हुआ था। चूँकि बात ज़्यादा बढ़ गई थी तो अभियुक्त ब्रज कुमार मिश्रा और उनके मामा सतीश पाठक ने ये सोचा कि चूँकि ये प्रयागराज ही आ गए हैं और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तो इनके साथ यदि कोई घटना कारित कर दी जाती है तो इसमें हम लोग बच जाएंगे। परंतु इसमें हमारे थानागुरपुर पुलिस और हमारी ASP चिराग जैन, इनके द्वारा अथक मेहनत करते हुए सर्वप्रथम मृतक को ट्रेस किया गया, तथा दोनों ही अभियुक्तों को आज गिरफ्तार करके इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इनके निशानदेही पर मृतक